साथियों नमस्कार, आरआरबी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत। राजस्थान के प्राचीनतम सभ्यता स्थलों की 10वीं कड़ी में आज हम नगर टोंक सभ्यता के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। नगर टोंक, इस सभ्यता का संबंध वर्तमान टोंक जिले से है। इस सभ्यता स्थल को प्राचीन नामों से भी जाना जाता है, जिसके अंदर कारकोट और करकोटा इन दो नामों से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, अगर इसमें कहीं पर भी आपको दोनों में से कोई भी नाम मिले तो आपको कंफ्यूजन होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर जो खुदाई के दौरान जो सिक्के मिले थे और उन सिक्कों के ऊपर नागवा महाजया और नागवा जया लिखा हुआ है, और ये प्रश्न कई प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर पूछा हुआ है, तो आपका उत्तर नगर टोंक ही होना चाहिए। तो ये आप एक बिंदु महत्वपूर्ण है जो कि अपने ध्यान में रखें। यहां से जो मृद पात्र मिले हैं, अर्थात मृद भांड, जिनको कि हम मिट्टी के बर्तन भी कह सकते हैं, इस स्थल से खुदाई के दौरान मिले। और इनकी जो महत्वपूर्ण खास और विशेषता है वो यह है कि इसके ऊपर मानव आकृतियां भी बनी हुई मिली है, और इसी के साथ साथ पशु चित्रित आकृतियां भी यहां से जो खुदाई के दौरान मिलने वाले पात्रों के अंदर मिले हैं। दोस्तों, यहां से खुदाई के दौरान जो मृद पात्र अर्थात मिट्टी के जो बर्तन मिले हैं वो लाल रंग से युक्त मिले हैं, और साथ ही साथ इन मिट्टी के बर्तनों के ऊपर मानव आकृतियां एवं पशु चित्रित आकृतियां भी देखने को मिलती है। और यहां पर जो गुप्तोत्तरकालीन अगर हम सभ्यता संस्कृति की विशेषताएं देखें तो इसमें अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां प्राप्त हुई है। उनमें से पहला नंबर है सलेटी पत्थर से बनी हुई महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा। दूसरी बात है मोदक रूप में गणेश की प्रतिमा, यानी मोदक रूप में गणेश जी भगवान की यहां से एक छोटी सी मूर्ति मिली है। और तीन फणीदारी नाग का अंकन, यानी तीन फणीदारी नाग अंकन वाली एक मूर्ति भी मिली है। और चौथे बिंदु पर है कमल धारण किए हुए माता लक्ष्मी की एक खड़ी प्रतिमा भी इस स्थल से मिले हैं। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आज इतना ही। अगर आपको यहां से पढ़ा हुआ पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट्स करें, और आरआरबी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।